व्हाट्सएप का आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक डॉट पैटर्न या डोनट पैटर्न कैसे बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न्स है ये, बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न है, बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न है। और मैं आपको साथ में एक प्लस पैटर्न बनाना सिखाऊंगा। आज मैं आपको दो पैटर्न्स बनाना सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा ईजी पैटर्न है। ये रहा मेरा क्यूब, मैं इसको बनाना हूँ। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। दो ऐसे मैं आपको बहुत ज़्यादा इजी वाला वे बता रहा हूँ। इसके दो तरीके होते हैं। मैं एक तरीका आपको पहले आसान वाला करके दिखाता हूँ। आपको याद होगा मैंने आपको अपनी एक वीडियो में आपको बताया था एक चेकअबोर्ड पैटर्न कैसे बनाते हैं, तो वैसे ही एकदम आपको करना है। लेकिन चेकअबोर्ड पैटर्न में क्या था कि हमने इसको ऐसे दो बार घुमाया था, तो इसमें क्या हो, पर इसमें एक तो यही चीज़ करनी है, बस इसमें ट्विस्ट है कि आपको सिर्फ इसको एक बार घुमाना है, फिर इसको सीधा करके फिर एक बार घुमाना है, फिर इसको ऐसे टेढ़ा करके फिर एक बार घुमाना है, ठीक है। फिर ऐसे जब एच बन जाएगा तो कैसे दिखाऊं, ये देखिए एच बन गया। तो अब अपने क्यूब को ऐसे पकड़िए और ऐसे घुमा दीजिए राइट टू लेफ्ट, और ये डॉट पैटर्न बन चुका है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको सॉल्व करके आपको दूसरा पैटर्न बताता हूँ कि आपको दूसरे तरीके से कैसे बनाना है। एक तरफ बहुत ये बहुत ज़्यादा इजी वे होगा, तो मैं आपको ये करके बना रहा, मतलब इसको ठीक करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं अभी आपको फिर बताऊँगा कि कैसे चेकबोर्ड बनाना है इसके ऊपर, फिर आप देख लेना। यहाँ बच्चे से सॉरी गाइस, ये देखना ये इसको ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑरेंज आ गया, अब ऑरेंज यहाँ राइट साइड में, मैं अभी थोड़ा सा करके दिखाऊंगा फिर आपको बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। ये देखो मेरा सॉल्व हो गया है क्यूब। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा पैटर्न कैसे बनाते हैं। अब दूसरा वे, तो आपको सिंपली कोई क्यूब लेना है और उसका ना मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, उसकी एक लेयर आप अपनी इस बॉटम लेयर को ऐसे बीच की लेयर को ऐसे घुमा लेना है, ठीक है। आ गया मेरा यहाँ पर ग्रीन आया है, मैंने ऐसे था, मेरा क्यूब ऐसे था, मैंने इसकी बीच की लेयर को घुमाया तो ये आ गया, ठीक है। अब जो आपका ये कलर आया है सामने में, आपको उसको ऐसे काटना है, कैसे ऐसे इस ऑरेंज कलर से पीछे रेड कलर से। अब जो ऐसे हो गया आपके पीछे में चार ऐसे डॉट्स, अब ऊपर को देखिए ऐसे लाइन थी, तो हम इसको ऐसे लगा देंगे लाके उस वाले को, तो ऐसे हो जाएगा। तो नहीं ये देखो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने आप लोग को, मैं इसको फिर से कर रहा हूँ, मैं थोड़ा गलत कर दिया, मैं भी बता रहा हूँ आपको, बताता हूँ कि कैसे करना है। मैंने थोड़ा गलत कर दिया था, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, मैं आपको बता रहा, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। वन सेकेंड, बना चुका, देखिए अब सॉल्व हो गया। हाँ मैं बताता हूँ, देखिए जो आपका है इसको बीच की लेयर को घुमाना है, सामने जो कलर आया है उसको ऐसा काट लेना है। अब इसके पास जो ये चार आए हैं, ये जो मेरे सामने में चार आए हैं, इसके ऊपर में आपने एक लाइन देखी होगी, इसको आपको बस ऐसे कर देना है, इस लाइन में ला देना है, अब हो जाएगा। अब ऐसे जो है इसको बस आपको ऐसे घुमा देना है दो तीन बार, और ये आपका डॉट पैटर्न बन गया। बहुत ज़्यादा इजी था, मैंने आपको ये वाला बहुत हार्ड वाला था, इससे पहले जो मैंने बताया वो इजी वाला था, मैं उल्टा पुल्टा था सबसे। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको इसको सॉल्व करना है। आप किसी भी फेस से पकड़ लो इसको, मान लो मैंने हाँ यहाँ पर मैंने इससे पकड़ा, आपको ये लग रहा होगा मैंने पर वाइट पर पकड़ा, हमेशा वाइट के पीछे येल्लो होता है ज़्यादातर, मतलब बहुत कम टाइम पर ही होता है कि वाइट के नीचे कोई और कलर होगा, वरना ज़्यादातर वाइट के नीचे येल्लो ही होता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे कर लेना है अपने क्यूब को, देखिए आपका क्यूब ऐसे था ना, जब ऐसे था तो इसकी जो मिडल लेयर उसको ऊपर करके ये देखिए ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन से दो वाइट हैं, देखिए दो वाइट हैं, तो या तो आपको इसको ऐसे देखो, या तो आपको इसको राइट में घुमा, या तो आपको ये देखिए क्या है, ये देखिए दो वाइट हैं,
दो वाइट है, तो या तो आपको अब ये देखिए इसके साइड में देखिए, इसके एकदम साइड में ये देखिए मेरा है और इसके साइड में देखिए वाइट है, तो और ये राइट साइड में, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा और यहाँ पर मेरी लाइट बन गई। अगर यहाँ पर इस वाली लेफ्ट वाली साइड में होता मेरा वाइट, मेरे यहाँ पर था वाइट राइट साइड में, अगर मेरी लेफ्ट साइड में होता तो मैं लेफ्ट को घुमाता और ऐसी लाइन बन गई। अब नीचे देखिए या ऊपर होता है या नीचे होता है, तो हम नीचे कर देंगे एक साइड, ये साइड कंप्लीट और ये साइड कंप्लीट। अब ये है एक लाइन है, तो ये तो इजी होता है, इसको देख के हो गया। अब कुछ कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि देखो जब आप ये वाले, मैंने जो ऐसा प्लस वाला बताया था आपको, ऐसे 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 वाला जो अभी तरीका आपको बताया था मैंने कि कैसे करना है, इस वाले तरीके में जो आपने अभी प्लस वाला बताया था, इसमें कभी कभी एक ऐसी दिक्कत हो जाती है जब मैं इसको मान लो सॉल्व करने के, ठीक है मैंने वही तरीका है जब सॉल्व करने गए और ये हो गया, तो अभी तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है, अभी वाला मैं कभी कभी अपनी सिचुएशन लाने की ट्राई कर रहा हूँ वाली, कभी कभी ही ऐसा होता है, वो हमेशा नहीं होता पर हो जाता है, वो मतलब उतना भी रेयर नहीं है, ये हो जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये, क्योंकि वो हो ज़्यादातर हो जाता है कभी कभी सिचुएशन में, आपको क्या करना है ऐसे हो जाते हैं सिचुएशन जिससे आप अलर्ट रहे हमेशा कि हाँ हाँ कि, वरना मैं आधा अधूरा बता दूंगा सब कुछ तो लाइक्स नहीं आएंगे। वो सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं बना के पैटर्न, क्योंकि अभी वो सिचुएशन मुझको नहीं मिली इस बार, मैं कुछ सॉल्व कर लूँगी। ये देखिए यही बात कर रहा था, कभी कभी ये देखो अभी मैंने था तो यहाँ पर लेफ्ट पर दो वाइट है, यहाँ पर मैंने राइट में था पर अब लेफ्ट में आया, तो अब लेफ्ट में आए तो आपको लेफ्ट कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जब आप लेफ्ट में होता है ये लेफ्ट वाली सिचुएशन में ही आता है। अब मैं इसको पुट करूँगा, नहीं यार अभी सिचुएशन नहीं हुई वाली, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो वाली सिचुएशन आ जाए जिससे मैं आपको बता दूँ। ये देखिए आ गई आ गई, देखिए मैं आपको उसको वापस करना पड़ेगा मुझको, ये देखिए आपको कैसे करके बताऊं यार, ये देखिए ऐसे होता है, मैंने मान लो इस डॉट को चूज किया ऐसे लाया, अब यहाँ पर ब्लू है, देखिए मैं आपको भी करके दिखाता हूँ इसको, तो ब्लू आए नोप, येलो येलो येलो, इसे हो क्यों नहीं मेरा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ इस सिचुएशन ला दूँ। अब जैसे मैं कर रहा हूँ आप लाने की कोशिश मत करना उस वाली सिचुएशन को, वो कभी कभी आ जाती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हाँ आई नहीं यार, अभी नहीं आई, मैं चुपचाप करता ना यार, वो सिचुएशन आ नहीं रही है, वरना मैं आपको कल फिर दिखा देता, आ जाओ यार ये सिचुएशन क्यों नहीं आ रही है, आ गई, ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए जब आपका क्यूब रहता है आपने ऐसे किया, अब यहाँ पर बगल में ग्रीन है, आपने इसको लाया और लाइन बन गई सीधी, अब आप इसको पुट किए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पर ऐसे रहते तो आप उसको ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा कि आपकी ये साइड कंप्लीट हो जाएगी, ये साइड कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपके ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, ये चार साइड रह जाती है। मैं फिर से करके दिखा देता हूँ वरना आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कैसे हुआ। ये देखिए है ग्रीन, मैंने इसको यहाँ पर ग्रीन है लेफ्ट साइड में ऐसे किया अलाइन, और फिर जब मैं इसको मैच किया तो कभी कभी हो जाता है कि ये साइड दो नीचे हो गई लेकिन ये चार साइड बच जाती है, तो आपको यही सेम प्रोसेस करना है एक बार ऐसे। अब आपको कुछ चिंता नहीं करके घुमा देना है, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ,
ये देखिए जब ये साइड हो गई, अब क्या करना है कि आपको फिर से एक बार ऐसे करना है, जिससे कि यहाँ पर मेरे में तो यहाँ पर यह वाइट दिखा रहा है। अब आपको 1 2 और यहाँ पर मेरा येलो हो गया। अब लाइन होगी इसको करके ऐसे। तो ऐसी कभी कभी सिचुएशन बना दे कि आपको एक दो साइड हो जाती है, तो आपको फिर से वही करना होता है ऐसे करके। फिर जो कलर होता है राइट को या तो लेफ्ट को घुमाना होता है, या तो राइट में अगर आपका कलर होता है मैचिंग का उसको राइट में घुमाना, ऐसे राइट को लाना होता है, या तो लेफ्ट में ले जाना होता है, लेफ्ट में ले जाके ऐसे करते तो आपको सॉल्व हो जाता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अगर आपको समझ नहीं आया तो कॉमेंट करना, मैं इस पर एक पूरी अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे सिचुएशन को करना है। तो बाय गाइस।